हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड टू द माय यूट्यूब व्यूअर्स एज वेल। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत वेलकम आप लोगों को। सम ऑफ यू आर हैविंग योर फर्स्ट लेसन एंड सम ऑफ यू आर माय प्रीवियस स्टूडेंट्स, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। हमारे पास नए लोगों में काफ़ी सारे लोग हैं। सुहेमा हैं, एनजिया हैं और मुश्तबा हैं, मोहम्मद एंड अली हैं, और हमारे पास मोहतशिम भी हैं। बट दे आर नॉट वेरी न्यू स्टूडेंट्स टू मी एज दे हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लिटिल बिट अर्लियर विद मी। ओके, सो आज जो हमारा हिस्ट्री का लेसन है, हम इस क्रैश कोर्स को शुरू करना चाह रहे हैं। और जब शुरू करने लगे हैं तो हम देखेंगे हिस्ट्री को सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरे सेशंस में देखेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, सो वो लोग जो हिस्ट्री के पेपर पैटर्न से अवेयर नहीं है, उनको भी साथ साथ मैं बताता जाऊंगा पेपर पैटर्न भी। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री के पहले चैप्टर्स में क्या चीज है। सो गाइज, आई नीड योर फीडबैक रिगार्डिंग कि आपके पास कौन सा चैप्टर है जो हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है। इज दिस द रिलीजियस रिफॉर्मर्स वाला चैप्टर? यस सर। ओके, अच्छा। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। जितनी जितने जिस चैप्टर के बारे में बात हो रही है, हाउ मेनी रिफॉर्मर्स दैट वी हैव स्टडीड इन दैट चैप्टर? कितने रिफॉर्मर्स हैं भाई इसमें? दो हैं, तीन हैं, थ्री चार थे। हैं? ओके, सो वी हैव थ्री रिफॉर्मर्स। ओके, अब इस चैप्टर में रिफॉर्मर्स की कहानियां हैं। ठीक है, रिफॉर्मर्स की कहानियां इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं इंटरेस्टिंग बना देता हूं। ठीक है, चलेगा? जी सर। अच्छा, इनफैक्ट जब मैं आपको इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा तो हो सकता है शायद दौड़ने भी लगे। ठीक है, अच्छा। सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ रिफॉर्मर्स वाली कहानी है। ठीक है, उस रिफॉर्मर्स में किस कुछ नाम है हमारे पास रिफॉर्मर्स के, क्या आपको वो नाम याद है? कितने रिफॉर्मर्स है? देखो स्क्रीन पे कुछ नजर सर आ रहा है, पहले सवाल, जी एक सवाल है स्क्रीन पे। अगर तुम सर, स्क्रीन सर देख रहे सबसे हो, पहले तीन रिफॉर्मर्स हैं, उन तीन रिफॉर्मर्स के नाम आ रहे हैं, इनको देखो। मैं जरा सी स्क्रीन अपनी, मैं लाइटिंग एडजस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्लास ऑन है, इसको देखो, मैं लाइट एडजस्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताना, लाइट एडजस्ट हो रही है? अब जरा साफ नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है, या अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा? ओके जी, वी हैव थ्री रिफॉर्मर्स बेसिकली। ठीक है, और इस थ्री रिफॉर्मर्स में हमारे पास सबसे पहले कौन से रिफॉर्मर है? हमारे पास है रिफॉर्मर, काइंडली एक्सप्लेन चैप्टर 16। यस, हम करेंगे बिल्कुल, चैप्टर 16 करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन अभी ये बहुत बहुत जल्दी है चैप्टर 16 के लिए। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले शाह वलीउल्लाह है, और उसके बाद सैयद अहमद शहीद बरेलवी है, और उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह है। ओके, ऐसा ही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें याद करनी है तो हमने इनका डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट द डिफ्रेंसिएशन अमंग दीज थ्री डिफरेंट पीपल्स, ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो और इनकी अचीवमेंट्स आपस में मिल ना जाए। ठीक है, अब इसको किस तरह करना है? इसको इस तरह करना है, शाह वली उल्लाह स्ट्रेंथ वॉज हिज पेन। ओके, एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्ट्रेंथ वॉज हिज सॉर्ड। क्या किया था सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने? याद है किसी को? सर यस, आई नीड द ही फीडबैक। He encouraged the Muslims to use like they he encouraged them to work against the oppression of British and Hindus altogether. राइट, ओके, यस सर यस यस, सर सैयद बोलो अहमद बोलो बोलो। शहीद बरेलवी, सैयद अहमद शहीद बरेलवी फॉर्म द मुजाहिदीन फोर्स। यस, वेल डन। अच्छा, तीसरे साहब है हमारे पास, एक तीसरे साहब है हमारे पास, उन्होंने क्या काम किया था? हाजी शरीयतुल्लाह, उन्होंने ही भी कोई क्रिएटेड बड़ा द काम किया फरेजी था। मूवमेंट ही क्रिएटेड यस, द फरेजी मूवमेंट एग्जैक्टली। अब ये फराइजी मूवमेंट
और शाह वली उल्ला साहब जो हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट नाम से डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, और आपको पता है कि कोई भी दो आदमी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, तो पर्सनालिटीज भी डिफरेंट होती हैं, तो उनकी अचीवमेंट्स भी डिफरेंट है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि उनकी अचीवमेंट कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। अब मैं वो डिफरेंसिएशन भी क्रिएट करूंगा साथ साथ, प्लस उनकी अचीवमेंट्स भी बताऊंगा। क्लियर है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल शाह वलीउल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर, ठीक है। और सवाल कैसे आता है पहले ये फ्रेम कर लो। सवाल आपकी बुक में आखिर में दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के आखिर में, और सवाल इस तरह दिया हुआ है कि क्या शाह वलीउल्लाह की अचीवमेंट ही सबसे जबरदस्त अचीवमेंट थी फ्रॉम दी 1750 टू 1850, ठीक है, या 1700 टू 1800, ठीक है, या फिर सवाल इस तरह आता है कि क्या सैयद अहमद शहीद बरेलवी ही सबसे जबरदस्त रिफॉर्मर थे, या वो सवाल में से तीसरे रिफॉर्मर को पूछ लेता है क्या सैयद हाजी शरीयतुल्लाह ही सबसे जबरदस्त बड़े रिफॉर्मर थे। हमेशा वो तुमको देखो एग्जामिनर घुमाएगा। कैसे? वो तुमको एक ही चीज पूछने को कहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कान पूछने को कहेगा, लेकिन तुम्हें कभी इस तरह पूछ लेगा, समझ आ रही है बात, घुमा के पूछ लेगा। पूछेगा वो कान ही, पूछेगा वो रिफॉर्मर्स के बारे में ही, लेकिन वो घुमाएगा किस तरह, वो देगा तुम्हें एक नाम, वो देगा तुम्हें एक रिफॉर्मर का नाम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब भी वो एक नाम दे रहा है, इसका मतलब है बाकी रिफॉर्मर्स के बारे में भी पूछ रहा है इनविजिबली। ये बात क्लियर है? समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर वो सिर्फ हाजी शरीयतुल्लाह पूछ रहा है तो यू नीड टू डिफाइन दी हाजी शरीयतुल्लाह अचीवमेंट एंड हिज वर्क, बट यू नीड टू डिफाइन सैयद अहमद शहीद बरेलवी एंड शाह वलीउल्लाह एज वेल। आखिर में तुम्हें ओपिनियन भी देना होगा, ठीक है। ये तो 14 मार्क का सवाल जो आता है उसके हवाले से हल्का सा बताया, मैं तुम्हें पूरा पेपर पैटर्न अलग से बताऊंगा, ठीक है। मैं आज सिर्फ इसको फ्रेम करना चाह रहा हूं कि किसी सवाल को अगर हम देख रहे हैं तो उसको किस तरह देखेंगे, खासकर पहले सेक्शन से, क्योंकि पहला सेक्शन वो सेक्शन होता है जिस सेक्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। वी हैव सेक्शन 1, सेक्शन 2, इन दोनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं सवाल में। सबसे कम मार्क्स स्कीम जो आती है वो आती है सेक्शन 3 से, ठीक है मोहतशिम, उसको हम जरूर देखेंगे तुम्हारे चैप्टर 16 को, उसमें भी कौन कौन सी चीजें हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले बेस बनाते हुए चल रहे हैं, हमारे पास शाह वलीउल्लाह थे जिन्होंने पेन से काम किया। उन्होंने क्या काम किया सबसे बड़ा? पेन से ही ट्रांसलेटेड दी होली कुरान। मैं सबसे सारी सारी अचीवमेंट्स बता रहा हूँ, कहीं अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो इसको। ही ट्रांसलेटेड दी होली कुरान फर्स्ट, ओके। क्यों उन्होंने ट्रांसलेट किया? इसलिए ट्रांसलेट किया क्योंकि वो चाहते थे कि दूरियां जो मुसलमानों में हो गई हैं अपने दीन से, वो ये ट्रांसलेशन हो जाए पर्शियन में, क्योंकि उस जमाने में पर्शियन बोली जाती थी। तो जब ये ट्रांसलेट कर देंगे तो ट्रांसलेट करने के बाद लोग इसको पढ़ सकेंगे, दीन से दूर नहीं जाएंगे, दीन से करीब आ जाएंगे। द अदर थिंग व्हाट ही डिड, उन्होंने शिया सुन्नी के फसादात को खत्म करने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव करने के लिए उनको किताबें लिख के दी ताकि इससे भी वो करीब आ जाए। अच्छा, किताबों की बात चली, ही रोट 51 बुक्स, और 51 बुक्स में सबसे ज्यादा जो मशहूर किताबें हैं दैट इज टू बुक्स, इज़लतुल अख्फा एंड दूसरी कौन सी है, हुज्जतुल बलागा, ठीक है। ये दो वो किताबें हैं जिनका नाम तुम लिखोगे तो तुमको स्कोरिंग मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि यार इसको बंदे को नॉलेज है और ये दो नाम स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। जब हम आगे जाते हैं तो हमें और बात क्या पता चलती है शाह वलीउल्लाह के बारे में, कि उनके बेटों ने लेटर ऑन कुरान शरीफ को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया, जो कि बाद में जाके डेवलप होने वाली जबानों में से एक जबान थी, ठीक है। 1803 में था ना वो, 1803 में, यस आई गेस। अब जब इन्होंने ये कर लिया, ठीक है, एक तीन बातें हमें इनकी पता चली, लेकिन इनके पास एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। ही वॉज एट द टाइम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ही वॉज सीइंग के मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मराठास हमको कहीं रन ओवर ना कर दें, तो इससे बेहतर है मैं किसी की मदद ले लूं। तो ही रोट सेवरल लेटर्स टू सेवरल किंग्स, बट अफगानिस्तान से एक साहब थे जिनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, ही केम एंड फॉट विद मराठास और उनको हराया। वो जिनको हराया था मराठास को, उस बैटल का एक नाम है बड़ा मशहूर, उसका रेफरेंस तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है,
अहमद शाह अब्दाली। देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, ऋषि बैटल सिंह। बैटल बैटल हुई थी एक, उसका तुम्हारे सामने उसका नाम का स्क्रीन पे कुछ हिंट है। मैंने क्या पिया अभी? पानीपत। यस, पानी से पानीपत याद आया। ये वो बैटल थी जिसपे अहमद हाँ शाह अब्दाली ने हराया था इन लोगों को, ठीक है, मराठा उसको, ठीक है। अब ये एक सबसे बड़ा काम था इनका, सबसे बड़ा काम था। अगर ये मराठास उस वक्त जीत जाते तो शाह वलीउल्लाह के बाद कोई आता ही नहीं, या मतलब शाह वलीउल्लाह को भी लोग भूल जाते, समझ रहे हो बात? हम शाह वलीउल्लाह को नहीं पढ़ रहे होते, इवन हम भी शायद मराठे होते, ठीक है। इस वक्त शाह वलीउल्लाह के इस काम के बाद लेटर ऑन लोग मुसलमान रहे और काम होता गया, ऑपरेशन रहा कुछ इलाकों में, लेकिन आगे इनके बाद ये एक इंस्पिरेशन बने, और इंस्पिरेशन बनने के बाद लोगों ने इनसे इंस्पिरेशन लेने के बाद वैसे ही काम किया। इनके बाद आते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने क्या किया? अच्छा, अब समझ आ रहा है कि इनका इनका टूल पेन जो था, क्यों, कैसे हथियार था इनका? क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ ट्रांसलेट किया, किताबें लिखी, रिफॉर्म्स किए बहुत सारे अदलो तवाजुन सोसाइटी के हवाले से, प्लस इन्होंने खत लिख के अब मदद के लिए एक बड़े बादशाह को बुलाया। लेकिन ऑन हिज पार्ट देखा जाए तो एक तरह का फेलियर भी था कि अहमद शाह अब्दाली को ये कन्विंस नहीं कर सके कि तुम यहां रह जाओ और यहां पे हुकूमत करो। अहमद शाह अब्दाली वापस चले गए, ठीक है, जंग जीतने के बाद। अच्छा, डिस्कसिंग द सैयद अहमद शहीद बरेलवी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने क्या किया? वो इन्हीं के मदरसे से पढ़े हुए एक स्टूडेंट थे, और जिस जमाने में सैयद अहमद शहीद बरेलवी को मौका मिला तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिख जो थे वो ऑपरेशन कर रहे थे मुसलमानों पे, और उन इलाकों में जहाँ पे सिखों का रूल था उन्होंने अजान देना बंद कर दी, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने पे भी मसले कर दिए, उन्होंने इस्लामी जो भी इस्लामिक रिचुअल्स थे वो उन करने पे पाबंदी लगा दी। सो इन्होंने उस वक्त बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और जिहाद करने का फैसला किया, ठीक है। ये उस वक्त के एक स्कॉलर थे, और जब इन्होंने जिहाद का फैसला किया तो सारे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे इनके साथ मिल गए कि हाँ जी, हम आपके बारे में, आपके बात मानते हैं और करते हैं जिहाद। जिहाद इन्होंने किसके अगेंस्ट किया? नाउ देयर इज अ डिफरेंशिएशन यू हैव टू क्रिएट बिटवीन दी शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, के उनके ओपोनेंट्स कौन से थे। शाह वली उल्लाह के ओपोनेंट में हमारे पास कौन आते हैं? मराठास आते हैं, जिससे अहमद शाह अब्दाली से मदद लेने के लिए मराठास के अगेंस्ट भी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी के अगेंस्ट कौन थे? सैयद अहमद शहीद बरेलवी के अगेंस्ट सिख थे, और उसमें जो बंदे का नाम है वो है रंजीत सिंह, वॉज द लीडर ऑफ सिख, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका क्या नाम था? इनकी मूवमेंट का क्या नाम था? यस, जिहाद मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को जिहादी मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इस जिहादी मूवमेंट के अंदर इन्होंने 80,000 स्टूडेंट्स और जो पढ़ाने वाले थे उनको मिला के बनाई, ठीक है। एक सवाल बनता है इसमें से कि लेटर ऑन इन्होंने जंगें जीती भी, ठीक है, कब्जा भी किया कुछ जगहों पे, लेकिन इवेंचुअली इवेंचुअली ये हार गए किससे? रंजीत सिंह से, बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ हिज ओन मैन, जिसका नाम था सरदार यार मोहम्मद। उन्होंने जैसे किसी के बारे में मुखबरी कर देते ना, इनके बारे में मुखबरी कर दी और ये बैटल में हार गए, यानी मतलब इनको शहीद कर दिया गया। द बैटल वॉज द बैटल ऑफ बालाकोट इन 1831, ठीक है। ये नाम आपको इसलिए याद बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नाम किस किस तरह आइडेंटिफाई होगा एज अ की वर्ड, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर आपको ये देखेगा कि इसने सवाल के जवाब में इंफॉर्मेशन और एनालिसिस पूरा दिया है या नहीं दिया, ठीक है। अभी शायद आपको महसूस ऐसा हो रहा हो कि ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं आपको पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, ठीक है। अब जब आप इनकी अचीवमेंट बता देंगे तो आप आखिर में ये भी बताएंगे कि भाई ये इनकी डेथ ऐसे हुई और इनकी डेथ की वजह क्या थी, ठीक है, कि इनके लोग जो थे वो ट्रेंड मिलिट्री मैन नहीं थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स थे, पढ़ाने वाले थे, टीचर्स थे, और इनके पास कोई टूल्स और इक्विपमेंट्स ऐसे नहीं थे। दे वर नॉट अ प्रोफेशनल वॉरियर विद रिस्पेक्ट टू दी ओपोनेंट्स जो के प्रोफेशनल वॉरियर्स थे सिख। उनके पास तो काम ही लड़ना था, ये तो टीचर्स स्टूडेंट मेकशिफ्ट थे ना, तो ये एक बड़ी वजह थी इनके हारने की, ठीक है सर।
जी सर एक और वजह ये थी कि वो यूनिफाइड नहीं थे, सब लड़ते रहते थे, बच्चे अलग रिलीजियस थे। एग्जैक्टली और आपस में भी थोड़े से डिफरेंसेस हो गए थे क्योंकि पठान लोग जो थे वो बीच में से रिवॉल्ट करके चले गए थे कि नहीं ऐसे नहीं लड़ना ऐसे लड़ना है। ठीक है, तो जब हम इनके बारे में बात करने के बाद आगे जाते हैं तो हमारे पास आते हैं हाजी शरीयतुल्ला। ठीक है, हाजी शरीयतुल्ला के बारे में हमें ये पता चलता है कि ये किस इलाके में थे, ये बांग्लादेश वाले जो आज का बांग्लादेश है उस वाले इलाके में थे, और उस इलाके में जिसको हम ढाका या बंगाल का इलाका कहते हैं, उस इलाके में जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ करता था उस जमाने में। और कौन करता था वो जुल्म? वो हिंदू लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, उस जमाने तक ब्रिटिश पहुंच चुके थे यहाँ पर। ठीक है, आप अगर इनकी टाइमलाइन देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कि किस वक्त पैदा हुआ और किस वक्त इंतकाल हुआ। 1840s में मेरे ख्याल से इनका इंतकाल हुआ। अच्छा, इन्होंने क्या किया उस जमाने में? इन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुसलमानों के कल्चर और रिलीजन में एंटर हो गई हैं, जो कि मुस्लिम्स की नहीं है, और वो किसकी हैं? वो हिंदुओं की हैं। तो इन्होंने कहा यार इनकी चीज अलग कर दें, इनकी चीज अलग कर दें। तो वो हो नहीं पा रहा था कल्चर में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जिसका नाम था फराइजी मूवमेंट। ठीक है, और उसमें इनका जो बेसिक एम था वो ये था कि मुसलमानों को ये बता दें कि यार ये वाला काम जो कर रहे हो ये काम वो नहीं है, ये फर्ज है, पहले फर्ज कर लो तुम। ठीक है, जो मेन तुम्हारी कंपल्सन है उसको तुम पूरा करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। कम अज कम आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाए, उसके बाद बाकी चीजों को करें। अच्छा, इनके जो मानने वाले थे, जो इनके साथ इनके फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स को क्या नाम दिया गया? फराइजीज नाम दिया गया। ठीक है, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड फराइजीज। सॉरी। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ रही है तो इस इंफॉर्मेशन में एक एडेड इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने ये जो लैंडलॉर्ड्स और ये सारे लोग थे इनके खिलाफ इस फराइजी मूवमेंट को एज अ जिहाद भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इंस्पिरेशन तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी से भी मिल चुकी थी ना कि जिहाद कर सकते हैं मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि उस वक्त इतने ताकतवर नहीं थे। तो इन्होंने कोशिश की अपराइजिंग की, लेकिन इनको फिर उस जगह से निकाल बाहर किया। ठीक है, जिसको एग्जाइल कहते हैं। ठीक है, इनको एग्जाइल में भेज दिया। फिर इनके बेटे ने कोशिश की, जिसका नाम मोहसिन उद्दीन था, उन्होंने कोशिश की कि इन्हीं सारी चीजों को लेके आगे चले। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर, जो कि डिफरेंट तरीके से आपकी किताब में मेंशन है, मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, वी हैव गॉट 26 मिनट 27 मिनट्स राइट नाउ। अब हमारे पास 15 मिनट रहते हैं इस क्लास के। ठीक है, 15 मिनट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर ये सवाल आ रहा है तो इस सवाल में तुमने किस तरह जाना है। सवाल क्या आ सकता है? 14 मार्क के क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी, पेपर पैटर्न के बगैर, लेकिन सिर्फ सुनकर। मैं स्क्रीन पे पेपर पैटर्न अभी शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, लेटर ऑन क्लासेस में करूंगा। ठीक है, पहली चीज, तुम्हारे पास 14 मार्क्स का सवाल आता है, जिसमें 14 मार्क्स में व्हाट यू नीड टू डू, चलो पहले 7 मार्क्स डिस्कस करते हैं ताकि तुम्हें मैं डिफरेंशिएट कर दूं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा? राज और राफे अगर हैं तो भाई आप नहीं बताना, उसके अलावा कोई बताए, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, यू हैव द एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सुहेमा, अंजिया, मोहतशम, जितने लोग सुन रहे हो सुन लो गौर से। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें कितने रीजंस या कितने फैक्टर्स या किस तरह आंसर करते हैं ये मुझे फीडबैक दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। सर 3 रीजंस बताते हैं, उसमें से 2 को डिफाइन करते हैं ज्यादा। ओके, ठीक है। अच्छा, 3 रीजंस डिफाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, और अगर मैं यही कहूं कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं ये बताओ। सर उसमें 3 से 4 पॉइंट लिखते हैं, उनको डिफाइन भी करते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं एंड में। ओके, सो द डिफरेंस इज हियर दैट इन द 7 मार्क क्वेश्चन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन। ठीक है, गौर से सुनना बात को, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन इन 7 मार्क क्वेश्चंस। ओके, बट इन द 14 मार्क क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योर ओपिनियन एज वेल। देखो, सवाल के आखिर में अक्सर और बेशतर लिखा हुआ होता है गिव रीजंस और गिव और डू यू अग्री और डू यू डोंट अग्री। ठीक है, अग्री डिसअग्री का एक स्लैश करके दिया हुआ होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास सवाल आ रहा है तो तुम उसको कैसे लेकर जाओगे 14 मार्क के क्वेश्चन में,
विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक दिस चैप्टर. ठीक है, चैप्टर कौन सा है? रिफॉर्मर्स का. सवाल हमेशा एक ही आता है. सवाल ये आता है कि बताइए कौन सा रिफॉर्मर सबसे बड़ा था. ठीक है, अब वो तुम्हें कोई सा भी नाम लगा के दे देगा. ठीक है, मैं यहां तुम्हें सवाल बता रहा हूं, उस सवाल को जरा गौर से सुनो. ठीक है, सवाल क्या है? वॉज हाजी शरीयतुल्ला वॉज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर फ्रॉम द पीरियड 1700 टू 1800. क्या सब इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा रिफॉर्मर हाजी शरीयतुल्ला ही था? अब तुमने इसको किस तरह आंसर करना है मैं तुम्हें ये बता रहा हूं. ठीक है, क्लियर है? 14 मार्क के क्वेश्चन को जब भी तुम आंसर करोगे यू नीड टू गिव 7 फैक्टर्स. हाउ मेनी फैक्टर्स? 7. 7 रीजंस देने. जैसे तुमने 7 मार्क के क्वेश्चन में 3 रीजंस दिए, अब तुम्हें 14 मार्क के क्वेश्चन में 7 रीजन देने. ठीक है, 7 रीजन कैसे देने अब सुनो. ठीक है, फिर मैं इसकी मार्किंग भी बताऊंगा. हमेशा याद रखो, हमेशा मुझसे पढ़ो किसी से भी पढ़ो, ये बात याद रखना, सवाल में जो पूछा है पहले उसको एड्रेस करना है. व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू नीड टू एड्रेस दैट वेरी स्पेसिफिक थिंग फर्स्ट. अगर सवाल में हाजी शरीयतुल्लाह के नाम से सवाल किया है सो यू नीड टू एक्सप्लेन हाजी शरीयतुल्लाह फर्स्ट. You need to provide the factors for the Haji Shariatullah first. Then you need to move on to the other reformers. ठीक है? अब मैं बता रहा हूं कि तुम कैसे जाओगे इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए. तुम जाओगे इस तरह कि तुम पहले बताओगे हाजी शरीयतुल्लाह कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह ने क्यों हम याद करते हैं हाजी शरीयतुल्लाह को, और इसके साथ साथ तुम ऐसे शुरू करोगे कि यस, हाजी शरीयतुल्लाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स एट दैट टाइम, बट देवर अदर रिफॉर्मर्स एज वेल. ठीक है, अब तुम उन रिफॉर्मर्स के सिर्फ नाम लिख दोगे लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करोगे. क्लियर है यहां तक? तुम कहोगे कि हाँ, सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी थे और शाह वलीउल्लाह भी थे, लेकिन तुम उनके बारे में बात नहीं करोगे. तुम पहले हाजी शरीयतुल्लाह को डिस्कस करोगे. क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर हाजी शरीयतुल्लाह पूछा है. अगर सैयद अहमद शहीद बरेलवी पूछ लिया होता तो पहले उनके बारे में बात करते. यहां तक क्लियर है? बताओ भाई सब लोग. जी सर. ठीक है सर. ठीक है, एक सेकंड देना मुझे. भाई मेहमानों के बच्चे और मेरे बच्चे सब ऊपर दरवाजा खोल खोल के जाके देख रहे हैं कि बाबा किधर है. ठीक है, अच्छा जी, पहली चीज, जब तुम हाजी शरीयतुल्लाह या जो भी तुमसे बंदा पूछा हुआ है, पहले तुम उसके फैक्टर्स डिफाइन करोगे. ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स बताओगे, उसकी हाईलाइट दोगे. ठीक है, तुम्हें कितने फैक्टर्स बताने थे? 7. ठीक है, मैं तुम्हें आसान करके दे रहा हूं. तुम 4 फैक्टर्स शुरू के उस बंदे के बताओ जिसके नाम तुम्हें दिए. मैं फराइजी मूवमेंट शुरू की थी, किसके अगेंस्ट की थी, कल्चर वगैरह था. ठीक है, इनके लोगों को क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें बतानी है. जब ये सारी चीजें बता दी, ये तुम्हारे 4 फैक्टर्स हो गए, इनको बाहर निकाल दिया था, ये 4-5 फैक्टर्स तुमने बता दिए. अब तुम मूव करोगे किधर? अब तुम मूव करोगे दूसरे रिफॉर्मर्स में. लेकिन जब तुम 3 से 4 फैक्टर्स हाजी शरीयतुल्लाह के बता चुके हो तो रिमेनिंग तुम्हारे पास कितने रह गए? 3 से 2 रह गए. अगर तुमने 5 फैक्टर्स इनके बताए थे या 4 फैक्टर्स बताए थे तो 2 या 3 फैक्टर्स रह गए तुम्हें कंप्लीट करने के लिए. अब ये 2 या 3 फैक्टर तुम बताओगे किसके? एक आधा बताओगे सैयद अहमद शहीद बरेलवी का और एक आधा बताओगे किसका? शाह वलीउल्लाह का. तुम्हारे पास 6 से 7 फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे. अब तुम इन दोनों के बारे में करोगे क्या? हमेशा याद रखना, जिसके बारे में पूछा है उसके फैक्टर्स की लेंथ बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, या उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा होने चाहिए. ये बात क्लियर है? समझ आ रही है यहां तक? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे? यस सर. जिसके बारे में बात की है भाई, पहले उसके बारे में बताओ. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपकी बड़ी अच्छी है, जरा उसके बारे में बात करें, तो आप कह रहे हैं यार वो तो ठीक है, हार जाते हैं लेकिन इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है. तो पहले आप पाकिस्तान टीम को अच्छे से डिस्कस कर लें, फिर चले जाइएगा इंडिया पे, कोई मसला नहीं है, बात कर लेंगे उसकी. लेकिन जिसके बारे में पहले बात हो रही है, पहले उसके बारे में बात करनी. ठीक है, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में अगर सवाल में है तो पहले उसको डिस्कस करेंगे. जिसके बारे में बात हो रही है पहले उसको डिस्कस करेंगे. समवन हैज जस्ट रिटन समथिंग ऑन द चैट. This question mention all 3 of them, what we will do in the context. अच्छा, ये जो सवाल दिया हुआ ना, ये सवाल तो
पुराना सवाल है, ये पुराने तरीके से सवाल आया था एक बार, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों के बारे में दिया हुआ है, तो तीनों के बारे में जिसके बारे में पहले दिया हुआ है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल आगे जाके और भी तरीकों से आता है, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आपसे स्पेसिफिकली ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब यहां देखो एक्सप्लेन, इसी सवाल में जो स्क्रीन पे दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू ऑल थ्री अबव, इसका मतलब तीनों को एक एक करके डिफाइन करना, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे कर देते हैं इसमें कंफ्यूज, सारी सवाल को समझाने की बात यह है, बच्चे कर देते हैं शाहवलीउल्लाह की बातें कर देते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी में, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी की तलवार जो है वो पकड़ा देते हैं शाहवलीउल्लाह के हाथ में, तो यहाँ हो जाती है गलती और एग्जामिनर इसमें मार्क्स नहीं देता। जो बात तुम्हें समझाने वाली है, जहां तुम्हें स्कोरिंग मार्क्स हैं, ये पेपर पैटर्न के अलावा बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न वाली क्लास अलग से रखूंगा तसल्ली से, माइट बी ऑन द सैटरडे, ठीक है। अच्छा, उसकी भी वजह है सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को मैं सुकून से होऊंगा, आज सारा दिन पढ़ते पढ़ाते सारे में थकावट इतनी हो गई कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन आपसे पहले से कमिटमेंट हुई थी इसलिए मैंने ये क्लास गो ऑन की। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, इस 5 मिनट में पहले बात करते हैं कि जो चीज तुम्हें फैक्टर तुम्हें सबसे पहले सवाल में पूछा गया है पहले तुम उसको एड्रेस करोगे, क्यों एड्रेस करोगे और कैसे करोगे, इसलिए करोगे कि उस फैक्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, बाकी फैक्टर्स के मार्क्स कम हैं, जो फैक्टर जो चीज तुमसे पहले सवाल में पूछी गई है उसी के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? आधे। सवाल कितने मार्क्स का है जल्दी बताओ? ज्यादा। तो हमारे पास आधे मार्क्स उस फैक्टर के हैं जो सवाल में पूछा है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर चाहता है कि तुम जो पूछा है पहले वो बताओ, तो तुम उसके लिए 2 से 3 या 4 फैक्टर्स बताओगे, ठीक है, कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, और ये भी हुआ था, और ये आदमी यूं याद रखा जाता है। जब तुम दूसरे फैक्टर्स पे जाओगे तब दूसरे फैक्टर के 1-1, 2-2 मार्क्स होंगे जितने फैक्टर्स तुम लिखोगे। तुम्हें 7 करने हैं ना, पहले 3-4 तुमने कर लिए उसमें तुम्हें आधे मार्क्स मिल गए, बाकी तुमने 2-2 करके फैक्टर्स लिखे 10-11 मार्क्स मिल गए, आखिर में तुमने ओपिनियन देना है जिसके 2 से 3 मार्क्स हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इस तरह तुम 14 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे। जब हम दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे तब हमारे पास सवालों के पैटर्न बदलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सवाल किसी तरह इस तरह भी आ जाता है कि कौन सा इसमें से ज्यादा सक्सेसफुल था, तो आप पहले सक्सेसेस बताएंगे। कभी सवाल आता है कि भाई सक्सेसेस थे, तो उसमें सक्सेसेस में लेस सक्सेस भी बताते हैं। जैसे अगर शाहवलीउल्लाह की सक्सेस देखें तो शाहवलीउल्लाह की सक्सेस में ट्रांसलेटेड दी होली कुरान आ सकता है, ठीक है, और हुज्जतुल बालिगा किताबें आ सकती हैं। शिया सुन्नी के बारे में जो बात है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने कम करने की कोशिश की, ये लेस सक्सेस है। प्लस क्लोज टू फेलियर या क्लोज टू लेस सक्सेस में आपके पास अहमद शाह अब्दाली को बुलाना भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने सक्सेस तो करवा दी अहमद शाह अब्दाली से, डिफीट करा दिया मराठास को, बट ही वॉज अनएबल टू कन्विंस हिम कि स्टे करो यहाँ पे और मुगल्स का साथ दो, ठीक है, वो वापस चला गया था। तो इस तरह की चीजों को हम हाईलाइट करेंगे अपने अगले सेशन में। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपको 3-4 चीजें समझ आई होंगी कि पैटर्न किस तरह है सवाल का, किस तरह है इसको एड्रेस करना है। मेरी बेसिक कोशिश ये है कि मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं 2-4 चैप्टर्स का, फिर आपको पैटर्न बताऊं, ताकि आपको जब पता हो कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तब उसको फिट कर सको उस फ्रेम के अंदर जो मैंने आपके लिए बना के रखा हो, ठीक है। अभी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लो, 2-3 मिनट है, फिर मैं एक सेशन और लगा लूंगा अगर कोई क्यूरीज है, ठीक है, 10-15-20 मिनट का जितना भी लगाना। हाँ भाई सर, कोई मतलब इस तरह का इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता जिसमें सिर्फ एक ही रिफॉर्मर्स के मतलब एक ही रिफॉर्मर का सक्सेस और फेलियर दोनों मतलब बताने हो हमें? यार देखो, आता है, यही बात एनजीए शायद तुम्हारे आने से पहले मैंने की थी। देखो सवाल में वो तुमसे करेगा, मैं सवाल यहाँ ढूंढ लेता हूँ, 2 मिनट दो मुझे, तुम्हें शायद सवाल नजर आ जाए यहाँ पे, जैसे पास पेपर्स में दिए भी होते, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट तुम्हें उसे शेयर भी कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, एक सेकंड, 2 मिनट है हमारे पास, मैं तुम्हें सवाल दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए। देखो मेरे पास रिलीजियस थिंकर के नाम से की क्वेश्चन बना हुआ है, और उस की क्वेश्चन को जब मैं खोलूंगा तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से खुल जाओ, कितनी देर लगा रहे। देखो सवाल तुम्हारे सामने, हाउ सक्सेसफुल वर द रिलीजियस थिंकर इन द स्प्रेडिंग द इस्लाम इन द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, 18th से 19th century। इस सवाल के अंदर एड कर देते हैं तुम्हारा जुमला कि भाई किसी एक को पूछा है,
ठीक है, ऐसा ही है। अगर सिर्फ शाह वलीउल्लाह को पूछा तो तुम पहले शाह वलीउल्लाह की सक्सेसेस बताओगे, सिर्फ शाह वलीउल्लाह की। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक? जैसे अभी हमने सक्सेसेस बताई कि उन्होंने किताबें लिखी, कुरान शरीफ ट्रांसलेट किया, ठीक है। लेटर ऑन तुम लेस सक्सेस बताओगी जो मैंने अभी बताई तुम्हें, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वाला और शिया सुन्नी के फसादात वाला, ठीक है, क्योंकि उससे यूनिटी खत्म हो रही थी ना, इस वो चाह रहे थे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई हो जाएं, क्योंकि मुगल डिक्लाइन कर रहे थे तो हर कोई इधर उधर हो रहा था। ये तुमने 3 से 4 फैक्टर्स बता दिए सिर्फ शाह वलीउल्लाह के, और ये सक्सेस भी हो गए और लेस सक्सेस भी हो गए। अब तुम जाओगे दूसरे रिफॉर्मर्स पे, समझ आ रही बात? शाह वलीउल्लाह डन हो गए, 4 फैक्टर बता दिए, इनफ है। तुम्हारे पास कितने फैक्टर्स रह गए? 3। तुम 2 फैक्टर्स बता दो, सक्सेस बता दो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, और लेस सक्सेस बता दो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, एक एक 2-2 फैक्टर हो गए। अब तुम हाजी शरीयतुल्लाह पे चले जाओ, एक सक्सेस बता दो या लेस सक्सेस बता दो, जैसे भी तुम चाहो। 7 फैक्टर पूरे हो गए। आखिर में तुमने ओपिनियन देना है, लास्ट 30 सेकंड्स है, इनफैक्ट 20। ओपिनियन में तुमने बताना है, हाँ जी बहुत अच्छे रिफॉर्मर्स थे, लेकिन मैं समझती हूँ शाह वलीउल्लाह वॉज दी मोस्ट सक्सेसफुल रिफॉर्मर बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर एंड ही लेड डाउन दी फाउंडेशन फॉर एवरीवन टू फॉलो हिम। क्लास खत्म, यूट्यूब पे लेक्चर लगेगा, इसके बाद सेशन दोबारा रख रहा हूँ, जो सवाल होंगे वहां पूछना। टाटा, अल्लाह हाफिज़।